गुड इवनिंग एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। और उम्मीद करती हूँ सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल करीब आ गया है। अभी तो एक एग्ज़ाम परसों ही है 69 का, बाकी जो KGMU का है वो डेट नहीं आया है। UPPSC भी मोस्ट प्रोबेबली आपका अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांसेस हैं प्री के। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है पढ़ाई को स्किप मत करिए और पढ़ाई करते रहिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके नॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपकी जो स्किल है उस स्किल को बढ़ाने के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हैं उनकी नॉलेज के साथ साथ उनका जो क्लिनिकल सेटिंग में स्किल है उस स्किल को बढ़ाने के लिए ये टॉपिक पढ़ना मस्ट है। और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ इसको परफॉर्म कैसे करना है, इस प्रोसीजर को, वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ना सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन वाले, ना सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन वाले और ना ही सिर्फ पैरामेडिकल वाले, बल्कि इस टॉपिक को पुलिस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी फोर्स, इंजीनियर्स, मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके प्रोफेशन में कैजुअलिटी कभी भी आ सकती है, ऐसे सभी प्रोफेशन वाले इस प्रोसीजर को पढ़ते हैं। और इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करना है ये भी वो जो है सीखते हैं। तो जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, अभी आप BSc नर्सिंग का रिवाइज जो करिकुलम है उसको उठा के देखेंगे तो उसके अंदर BLS मतलब जो CPR है उसको मस्ट कर दिया गया है पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब आपका कोर्स ख़त्म होता है उसके 4 साल के बाद जब आप हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि आप BLS से सर्टिफाइड हैं या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है BLS का, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब के लिए, आपको जॉब वहाँ पर जल्दी मिल जाएगी। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, अगर आप अब्रॉड में या फॉरेन में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर आपके पास BLS का सर्टिफिकेट है या BLS आपने जो है सीख रखा है तो फिर आपको वहाँ पे भी प्रेफरेंस दी जाएगी और बहुत ईजिली जो है आपको वहाँ पे जॉब जो है मिल जाती है। और अब्रॉड में तो मस्ट है आपके पास BLS का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो इसलिए ये टॉपिक आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के बारे में जानना और इस प्रोसीजर को सीखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे साथ कभी भी जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, जो रिलेटिव्स हैं, इनको कभी भी कैजुअलिटी आ सकती है। और उस कैजुअलिटी में अगर आपको इस बेसिक फर्स्ट एड के बारे में नहीं मालूम है तो फिर आप इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसको हम शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम प्लस वाइवा में बहुत ज़्यादा जो है इसको पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है CPR, जिसको हम BLS भी कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसको हम BLS के नाम से भी जानते हैं और CPR के नाम से भी जानते हैं। CPR का भी अपना फुल फॉर्म है और BLS का भी अपना फुल फॉर्म है। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन और BLS का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो CPR मतलब कार्डियो प्लस पल्मोनरी प्लस रिससिटेशन। कार्डियो मतलब रिलेटेड टू हार्ट और पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स और रिससिटेशन मतलब वापस से किसी चीज़ को जो है फंक्शन में लाना फिजियोलॉजिकल तरीके से। मतलब जो हार्ट की एक्टिविटी है या जो लंग्स की एक्टिविटी है अगर वो रुक गई है, अगर वो काम नहीं कर रही है, तो वापस से उसको फिजियोलॉजिकली जो है रिवाइव करना, मतलब वापस से उसकी एक्टिविटी को ले आना जो है उसको हम रिससिटेशन कहते हैं। तो हम इसको एक साथ हार्ट और लंग्स की एक्टिविटी को रिवाइव करना, दोबारा से पुनर्जीवित करना, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, दोबारा से उसको ले आना उसके फंक्शन में, उसको हम बोलते हैं CPR। जिसके वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो आपके ब्रेन में पहुंचे और ब्रेन के साथ साथ अदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी ब्लड की सप्लाई हो और ऑक्सीजन की सप्लाई हो, इसी को हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। BLS एक नाम मैंने लिया था आपके सामने। 3-4 टर्म ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि BLS, जैसे कि ACLS, जैसे कि NALS, जैसे कि PALS। तो BLS को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, ACLS को हम एडवांस कार्डियो लाइफ सपोर्ट, PALS को हम पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट,
NALS को नियोनेटल एडवांस लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। तो ये तीन चार टर्म जो है वो आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इनका फुल फॉर्म बताइए, तो आपको इसका फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो CPR की गाइडलाइन है, मतलब हमें CPR कैसे देना है, CPR में पल्स जो है कौन सा पल्स लेना है, कौन सा जो है आपको वेंटिलेशन कितना देना है, कितना आपका कंप्रेशन और वेंटिलेशन का कितना रेशियो होगा, क्या असेसमेंट है, इन सारी चीज़ों की गाइडलाइन कौन देता है हमें। तो हर प्रोसीजर का जो है एक गाइडलाइन है, और एक पर्टिकुलर एजेंसी या फिर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो है उस गाइडलाइन को देता है। वैसे ही हमारा CPR जो है इसकी गाइडलाइन को दिया है AHA ने। AHA का फुल फॉर्म है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने CPR की गाइडलाइन को दिया है कि CPR आपको कैसे परफॉर्म करना है, CPR में आपको असेसमेंट कैसे करनी है, CPR में जो है कितना वेंटिलेशन है, कितना कंप्रेशन है, सारी चीज़ों के बारे में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ही गाइडलाइन दी है। और ये पहली गाइडलाइन 2005 में आई थी। 2005 के बाद दोबारा ये रिपीट हुई तो 2010 में आई। 2010 के बाद ये दोबारा रिपीट हुई उसके बाद ये 2015 में आई, और अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन चल रही है वो 2020 की चल रही है। कोविड के टाइम में जो है गाइडलाइन दी गई थी, तो उसी गाइडलाइन पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो AHA ने 3 से 4 बार इस गाइडलाइन को रिवाइज़ किया। सबसे पहली बार 2005 में हुआ, और सबसे अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 2020 से चल रहा है। तो ये तो हमने कुछ बात की CPR के बेसिक चीज़ के बारे में कि CPR क्या होता है, किसने गाइडलाइन दी, क्या फुल फॉर्म है, इसका दूसरा नाम क्या है, कुछ टर्म्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम हमारे पास एक टर्म आया था कि BLS और ACLS क्या था। तो एक में हमने बात की बेसिक लाइफ सपोर्ट की, और एक में हम कह रहे हैं कि ये एडवांस लाइफ सपोर्ट है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर आपने देखा आपके सामने कोई कैजुअल्टी हुई और आपको फर्स्ट एड मेजर में CPR परफॉर्म करना है। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन में हम CPR परफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आप जाके कंप्रेशन दे रहे हैं, वेंटिलेशन दे रहे हैं, तो वो आपका BLS के अंदर आता है। BLS के अंदर CPR आता है प्लस आपका AED आता है। AED का मतलब है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये दोनों ही चीज़ें BLS के अंदर आती हैं। एक तो CPR आएगा, दूसरा AED आएगा, किसके अंदर? BLS के अंदर। अब हम ACLS की अगर बात करें तो ACLS के अंदर आपका कुछ जो है CPR के साथ साथ मेडिसिन आती हैं, CPR प्लस मेडिसिन प्लस डिफिब्रिलेशन। तो ये तीन चीज़ें जो हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट के अंदर आती हैं, जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका CPR और आपका AED आता है। AED का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर की क्लास अलग से होगी, वो अलग टॉपिक है। कितना करंट पास करते हैं, जो है कैसे पैड को लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें अलग से बात होगी। इसमें अगर मैंने आपको बता दिया तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि BLS के अंदर CPR प्लस AED आता है, और ACLS के अंदर CPR प्लस मेडिकेशंस प्लस आपका डिफिब्रिलेशन, जो कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर सकता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताया ACLS और BLS में क्या होता है। और ACLS जो है वो हमेशा हॉस्पिटल में परफॉर्म होगा। जो ACLS है प्रोसीजर, वो हमेशा आपके हेल्थ केयर सेटिंग में ही परफॉर्म होगा, जबकि जो BLS है वो आप अगर कहीं कैजुअल्टी हो रही है तो आप उस कैजुअल्टी में BLS जो है कर सकते हैं। ये हो गया आपका ACLS और BLS। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जो है CPR करना होगा। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी कंडीशन में आपको CPR परफॉर्म करना है तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं इंडिकेशन, इंडिकेशंस फॉर CPR। सबसे पहला इंडिकेशन जो है, क्योंकि नाम में ही हमने देखा था कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेट, तो अगर कार्डियक अरेस्ट आया है पेशेंट को तो आप कर सकते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर कर सकते हैं, कार्डिक अरेस्ट के अंदर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए किसी को तो कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो आप कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की अगर पॉइजनिंग हुई है तो भी आप जो है इसको कर सकते हैं। अगर जो है एस्पेक्सिया नियोनेट्रम है
तो भी आप कर सकते हैं। एस्पेक्सिया न्यूनेट्रम जो है ये बच्चों में बीमारी होती है, एस्पेक्सिया की कंडीशन मतलब जो बेबी है वो अनेबल टू ब्रीद, मतलब उसका सिजेशन ऑफ ब्रीद हो गया, ब्रीद नहीं कर पा रहा है, जो बच्चा है न्यूनेट है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एस्पेक्सिया न्यूनेट्रम। तो उस कंडीशन में भी आप CPR परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी का क्लिनिकली डेथ हो गया है, मतलब ब्रेन डेथ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें आपके वाइटल्स ऑर्गन काम नहीं करते हैं, तो आप CPR जो है वहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप CPR को परफॉर्म करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में पर्टिकुलर हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डोंट गो फॉर CPR। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको इंडिकेशंस मालूम है तभी आप CPR परफॉर्म करें, अदरवाइज ना परफॉर्म करें। और अगर आपको पूरी तरीके से प्रोसीजर पता है तो ही आप जो है CPR को परफॉर्म करें, अदरवाइज आप ना करें, क्योंकि इससे जो है जो आपका क्लाइंट है या जो आपका पेशेंट है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो माल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी CPR की। अब हम बात करेंगे कि असेसमेंट क्या क्या करते हैं हम, कार्डिनल असेसमेंट जो है वो क्या क्या है CPR जब भी हम परफॉर्म करते हैं। तो CPR परफॉर्म जब आप करेंगे तो कार्डियक अरेस्ट के लिए कुछ कार्डिनल साइन है, जैसे मान लीजिए आप जो है आप के सामने कोई कैजुअलिटी हुई है, आप देख रहे हो किसी पर्सन को और आप उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आप क्या क्या असेसमेंट करोगे उस टाइम। सबसे पहला तो आपको अनकॉन्सियसनेस चेक करना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि पेशेंट जो है अनकॉन्सियस है कि नहीं है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ये चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। और वो चीज़ें आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो मेथड होते हैं, या तो आप शेक एंड शाउट करो, मतलब पेशेंट को है आप थोड़ा सा हिलाओ और जो है बात करो उससे, तो अगर वो रिस्पॉन्सिव है अलर्ट है तो आपको ज़रूर जवाब देगा। अदरवाइज एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं काउज मेथड, COWS काउज मेथड। C फॉर होता है कैन यू हियर मी, और O फॉर ओपन योर माउथ, और W फॉर व्हाट्स योर नेम, और S फॉर होता है एक्सक्यूज योर हैंड। मतलब तो ये काउज मेथड जो है इन चीज़ मतलब आपके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आप काउज मेथड या फिर शेक एंड शाउट मेथड को यूज़ करेंगे। आप जिस दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको पेशेंट का चेक करना है अपनिया, अपनिया का मतलब होता है सजेशन ऑफ ब्रीथ, मतलब पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो आपको उस चीज़ को चेक करना है। डायलेटेड प्यूपिल चेक करना है, प्यूपिल जो है जो हमारे आईज में होते हैं उसको चेक करना है कि डायलेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्ट है। आपको साइनोसिस चेक करना है, साइनोसिस का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से जो आपके नेल बेड्स हैं या फिर जो आपका लिप वाला एरिया है यहाँ पे आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने लगेगा, तो इनको हम बोलते हैं साइनोसिस। उसके बाद कैरोटिड पल्स हम चेक करेंगे कि पेशेंट का कैरोटिड पल्स जो है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इतने सारे असेसमेंट जो है आपको कार्डियक अरेस्ट के लिए करना चेक करना है। अगर ये सारे असेसमेंट जो है पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका प्यूपिल डायलेट है, साइनोस्ड हो रहा है पेशेंट, अपनी आए, तो आपको क्या करना है, अब CPR के लिए आप जो है आगे बढ़ेंगे और आप CPR को परफॉर्म करेंगे। तो CPR को परफॉर्म करने के लिए कुछ सीक्वेंस होता है, कौन से सीक्वेंस में हमें काम करना है, हम उसी तरीके से CPR जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ CPR, तो सबसे पहला जो है वो है आपका डिटरमाइन द अनकॉन्सियसनेस, मतलब पेशेंट की अनकॉन्सियसनेस आपको चेक करनी है, वो मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है। दूसरा आपको कैरोटिड पल्स चेक करना है। अब सभी लोग देखिएगा जाके कि कैरोटिड पल्स कहाँ पे होता है, आपको कैरोटिड पल्स चेक करना है पेशेंट का। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन, अगर पल्स नहीं है तो आपको चेस्ट कंप्रेशन जो है वो शुरू करना है। पल्स नहीं आ रही है, पल्सलेस है, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन शुरू करेंगे। और चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो मैं अलग से लगाऊंगी, जो कि आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि CPR का जो है CPR प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आप विक्टिम का एयरवे ओपन करेंगे, जो विक्टिम है उसको एयरवे को आप ओपन करेंगे, जो कि तीन तरीके से ओपन होता है। सबसे पहला होता है आपका जॉ थ्रस्ट मैनुअल, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअल, और थर्ड है एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल। तीन तरीके से आप जो है पेशेंट का एयरवे को ओपन कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। फिर है आप वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे, वेंटिलेशन देते हैं हम पेशेंट को, वो भी आपको कैसे देना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ CPR या सीक्वेंस ऑफ BLS जो है वो टोटल आपके 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो ये है अनकॉन्सियसनेस चेक करना है, दूसरा आपको कैरोटिड पल्स चेक करना है, तीसरा अगर पल्सलेस आ रहा है तो आपको क्या करना है कंप्रेशन स्टार्ट करना है,
पेशेंट का एयरवे ओपन करना है और लास्ट जो है वो आपको वेंटिलेशन देना है पेशेंट को। तो इतने सीक्वेंस हैं सीपीआर के। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने बात कर ली असेसमेंट की, हमने बात कर ली सीक्वेंस की, अब हम बात करेंगे कि जो है कैसे सीपीआर जो है उसमें कौन सा सीक्वेंस चलता है। तो सीएबी चलता है, मतलब सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीथ। जो आपका सीक्वेंस है किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको सर्कुलेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीथ। सीएबी के बेस पे जो है हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं। पहले एबीसी चलता था, एयरवे, ब्रीथ एंड सर्कुलेशन, लेकिन अभी जो है वो आपका चल रहा है सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथ। तो सर्कुलेशन जो है आप कंप्रेशन भी उसको बोल सकते हो, कंप्रेशन एयरवे एंड ब्रीथ, क्योंकि आप कंप्रेस करोगे जब हार्ट को तो क्या होगा, हार्ट की पंपिंग होगी और हार्ट जो है वो प्रॉपर काम करेगा, उसके बाद जो है लंग्स की भी फंक्शनिंग स्टार्ट होगी। तो प्रायोरिटी जो है सीपीआर में जो तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी में सीएबी ही हम देते हैं, कंप्रेशन एयरवे या ब्रीथ, सर्कुलेशन एयरवे या ब्रीथ की, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब जाके जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो अब आपके सामने आएगी, और इसको मैं चार्ट के थ्रू भी आपको समझा रही हूँ। ये चार्ट आप देखेंगे और इस चार्ट को आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चार्ट को आप नोट कर लें और कहीं ना कहीं ले जाके आप अपने कमरे में या फिर आप अपने स्टडी रूम में कहीं पे भी इसको चिपका दें और इस चार्ट को आप याद रखें, क्योंकि यही चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा कंप्रेशन में और वेंटिलेशन में। तो ये जो चार्ट है, तो इस चार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पल्स जो है चेक करते हैं, मेथड क्या है सीपीआर का, कंप्रेशन टाइम क्या है, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, सीपीआर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, प्लस लैंडमार्क क्या है, मतलब कहाँ पे आप हैंड्स को प्लेस करोगे, उसके बाद कितने सेकेंड्स तक आपको जो है चेक करना है आप पल्स को या फिर ब्रीथ को, उसके बाद चेस्ट और कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो कितना होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अडल्ट में, चाइल्ड में और न्यूनेट में, इसके बारे में हम इस चार्ट में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पल्स हम कौन सी पल्स चेक करेंगे सीपीआर के अंदर। तो सबसे पहले अडल्ट की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट में आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है। अब मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी कि कैरोटिड पल्स क्या होता है, वो आप खुद चेक करो कि कैरोटिड पल्स कहाँ पे होता है, आप गूगल करो या फिर आप अपनी बुक में देखो जाके कैरोटिड पल्स कहाँ पे होता है, तो उससे आपको पता चलेगा, वो पल्स आपको चेक करनी है। दूसरा है चाइल्ड के अंदर आपको फीमोरल पल्स चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है SGPGI 2021, SGPGI 2022 और SGPGI 2023 अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि चाइल्ड के अंदर कौन सा जो है हम पल्स चेक करते हैं ड्यूरिंग सीपीआर। तो चाइल्ड के अंदर हमेशा फीमोरल पल्स चेक होती है, अगर फीमोरल नहीं मिल रही है तो आप कैरोटिड भी चेक कर सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है फीमोरल है। उसके बाद हम बात करेंगे इन्फेंट के अंदर जो है आप ब्रेकियल या फिर फीमोरल जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने पल्स की, अडल्ट में हम कौन सी चेक करेंगे कैरोटिड, चाइल्ड में हम कौन सी करेंगे फीमोरल या फिर कैरोटिड, और इन्फेंट में हम कौन सी करेंगे, या तो हम ब्रेकियल करेंगे या फिर हम फीमोरल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ सीपीआर क्या है, सीपीआर देते कैसे हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो मेथड जो है वो बोथ हैंड्स का यूज़ करते हैं हम अडल्ट के अंदर, और जो चाइल्ड है उसके अंदर भी बोथ हैंड्स का यूज़ करेंगे, और जो इन्फेंट है उसके अंदर आप ये दो थंब का यूज़ कर सकते हो, दो फिंगर का यूज़ कर सकते हो, या फिर वन हैंड का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो ये हो गया मेथड ऑफ सीपीआर, मतलब कितने हैंड्स का हम यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ सीपीआर वही है बेसिकली। कंप्रेशन टाइम की अगर हम बात करें तो 100 से लेके 120 कंप्रेशन पर मिनट जो है वो आपको देना है, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट अडल्ट में, चाइल्ड में 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, और इन्फेंट में 100 कंप्रेशन पर मिनट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है डेप्थ, कितने डेप्थ तक आपको जाना है, हैंड को आपको कितने डेप्थ तक लेकर जाना है। तो 1.5 से 2 इंच आप अडल्ट के अंदर जो है ये हैंड को कंप्रेस करेंगे, चाइल्ड के अंदर 1 से 1.5 इंच, और जो इन्फेंट है उसके अंदर जो है आपको 1 से 1.5 इंच जो है इस हैंड को कंप्रेस करना होगा। अब हम बात करेंगे लैंडमार्क की, कि आपको ये हैंड रखना कहाँ पे है। तो जो अडल्ट है उसमें आपको सेंटर ऑफ द चेस्ट रखना होता है, बिटवीन द नीपल लाइंस, मतलब जो नीपल लाइंस है उनके बीच में आपके ये हैंड होने चाहिए, अगर आप अडल्ट को सीपीआर दे रहे हो। तो अगर आप चाइल्ड में सीपीआर दे रहे हो तो सेम चीज़ सेंटर ऑफ द चेस्ट
बिटवीन द निपल लाइन, ये हैंड का जो है आपका लैंडमार्क होगा। और अगर आप इन्फेंट को दे रहे हो तो बिलो द निपल लाइन, अगर आप इन्फेंट को दे रहे हो तो बिलो द निपल लाइन जो है आपके हैंड की प्लेसिंग होगी। उसके बाद हम बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का कितना रेशियो रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये बताने वाली हूँ मैं, चेस्ट कंप्रेशन और आपका वेंटिलेशन का रेशियो हमेशा पूछता है और आपके वाइवा में, आपके प्रैक्टिकल में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कहीं पर भी आप जाओगे आपको ज़रूर पूछेंगे। तो अगर एक रेस्क्यूअर है, रेस्क्यूअर का मतलब होता है कि जो आपको CPR परफॉर्म कर रहा है, सपोज़ मैं किसी पर्सन के ऊपर CPR परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं रेस्क्यूअर हो जाऊँगी। तो अगर एक रेस्क्यूअर अडल्ट में है, अडल्ट को कोई एक ही बंदा CPR दे रहा है, तो 30:2 का कंप्रेशन होता है, 30 कंप्रेशन प्लस 2 वेंटिलेशन होगा। और अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो भी 30:2 का रेशियो रहता है, 30 कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन रहेगा। अगर चाइल्ड में हम दे रहे हैं तो चाइल्ड में भी आपको अगर एक रेस्क्यूअर है तो 30:2 का जो है रेशियो रहता है, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 का रहता है। उसके बाद अगर नियोनेट है तो उसमें 3:1 का रहता है, और इन्फेंट है अगर तो एक रेस्क्यूअर है तो आपको 30:2, और अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 का जो है आपका रेशियो रहेगा। तो इस तरीके का रेशियो चलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अडल्ट में एक रेस्क्यूअर होने पर 30:2, 2 रेस्क्यूअर होने पर भी 30:2, चाइल्ड में अगर हम बात करें तो एक रेस्क्यूअर होने पे 30:2 और 2 रेस्क्यूअर होने पे 15:2, अगर हम नियोनेट की बात करें तो 3:1, और अगर हम इन्फेंट की बात करें तो एक रेस्क्यूअर पे 30:2 और 2 रेस्क्यूअर पे 15:2। तो ये चेस्ट कंप्रेशन प्लस वेंटिलेशन रेशियो हो गया जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जब हम CPR देते हैं तो पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो पेशेंट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फ्लैट पोजीशन होनी चाहिए, एक सिक्योर जगह पे आपको ले जाके सीधा बिल्कुल फ्लैट जो है पेशेंट को लिटाना होगा, तो फ्लैट पोजीशन देते हैं CPR के दौरान। उसके बाद हमें 5 साइकिल, CPR की 5 साइकिल जो है 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट जो है आपको कंप्लीट करना होगा, 5 साइकिल। CPR का 5 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी, CPR की जब 5 साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो आपको पल्स जो है वो पेशेंट का चेक करना रहता है लेस देन 10 सेकेंड के बाद। जैसे अगर आप CPR दे रहे हैं तो जो आपका कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो रेशियो है उस रेशियो में आप टोटल 5 साइकिल को कंप्लीट करेंगे। 5 साइकिल आपने कंप्लीट कर ली और उस 5 साइकिल के बाद करने के बाद आपको क्या करना है, पल्स चेक करना है पेशेंट का लेस देन 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड से कम हो सकता है। और उसके बाद जब तक जो है डिफिब्रिलेटर बाहर से कनेक्ट नहीं हो जाता, AED नहीं आ जाता, तब तक आपको CPR देना है। मतलब अगर आप CPR दे रहे हैं पेशेंट को तो आपको एक तरफ हॉस्पिटल को कॉल करके ये भी बताना होगा कि पेशेंट को कैजुअल्टी है और वी आर परफॉर्मिंग CPR, तो जो एम्बुलेंस है या फिर जो हेल्थ केयर सेटिंग वाले हैं वो आपको AED भेजेंगे। तो डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का नाम लिया था मैंने, यही होता है एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, पेशेंट की बॉडी में हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो जब तक वो आगे कनेक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको CPR परफॉर्म करते रहना है। वो 5 साइकिल जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आप या फिर 2 मिनट, 5 साइकिल या फिर 2 मिनट के बाद जो रेस्क्यूअर है वो चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन, दूसरा कोई आके उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है CPR को। अब हम बात करेंगे कि 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट जो है आप पेशेंट को दे सकते हो अगर आपको ब्रीथ देना है तो। आपको पता है कि इसमें आर्टिफिशियल ब्रीथ जो है CPR के अंदर दिया जाता है, तो ये उसके बाद ब्रीथ देने के बाद आप क्या करोगे, 5 से 10 सेकेंड तक तो है पल्स चेक करोगे, फिर चाइल्ड अगर है तो आप 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट जो है वो बच्चों के अंदर जो है आप दोगे, अगर 15:2 का रेशियो चल रहा है तो। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स टू ओपन द एयरवे, मतलब एयरवे को ओपन करने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो 3 मेथड हैं, मैंने पहले ही बताया आपको। सबसे पहला हेड टू हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअल, दूसरा जॉ थ्रस्ट मैनुअल, और तीसरा एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअल, या फिर हम इसको बोलते हैं हेलमिच मैनुअल। तो जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअल है ये आपका जो है ट्रॉमा में या फिर हेड इंजरी में या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसमें हम इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो है ये मेथड है हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैनुअल एयरवे को ओपन करने के लिए। मतलब अगर हमारा एयरवे पेटेंट नहीं है
हम जो है वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, या जो आपका क्लाइंट है वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, तो आप जो है एयरवे को कैसे ओपन करोगे, फर्स्ट एड कैसे दोगे, उसी के बारे में ये है। और टोटल इसके तीन ही मेथड है, सबसे पहला हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनर, दूसरा जो है वो आपका जॉ थ्रस्ट मैनर, और तीसरा जो है हेलमिथ मैनर या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनर भी हम इसको कहते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनर मोस्ट कॉमन मैनर होता है और ये सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसको हेड इंजरी में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या फिर ट्रॉमा में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है, तो आप उस टाइम जॉ थ्रस्ट मैनुअर को यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका प्रोसीजर यही होता है कि जो हेड है उसको स्लाइटली हम टिल्ट करते हैं पीछे के साइड में बैकवर्ड, और स्लाइटली जो है ये चिन जो एरिया है उसको हम लिफ्ट करते हैं पेशेंट के, तो इसको हम बोलते हैं हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मैनुअर। इसका इमेज मैं लगाऊंगी, आप इमेज भी देख लेना। और इससे क्या होगा कि जो टंग है वो सबसाइड हो जाएगी और आपका जो एयरवे है वो पेटेंट हो जाएगा। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आपका ट्रॉमा पेशेंट में, हेड इंजरी पेशेंट में या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपको जो है ये मैनुअर परफॉर्म नहीं करना है। जॉ थ्रस्ट मैनुअर इसमें क्या करते हैं हम, ये स्पाइनल कॉर्ड, हेड इंजरी या ट्रॉमा पेशेंट में कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना होता है, जो आपका पाम है वो आप टेम्पोरल रीजन पे रखोगे और आपके जो फिंगर्स हैं वो आपको मैंडिबल के पास रखना है, और मैंडिबल को अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जो है मूव कराना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो टंग है वो थोड़ा सा साइड होगा और जिसकी वजह से जो एयरवे है वो पेटेंट हो जाएगी। इमेज लगाऊंगी मैं, और साथ में मैं शॉर्ट्स में इसके वीडियो डालूंगी जॉ थ्रस्ट मैनुअर के और एब्डोमिनल के और चिन लिफ्ट मैनुअर के, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर के, आप शॉर्ट्स जरूर देखना जाके, तो उसमें मैं इस प्रोसीजर का वीडियो डाल दूंगी, आप देख लेना। उसके बाद ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है नॉट सेट के अंदर, तो आप इमेज जरूर देखिएगा इसका। उसके बाद है हेलमिच मैनुअर। हेलमिच मैनुअर जो है इसको हम एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर भी कहते हैं, और ये चोकिंग के टाइम में काम आता है। अगर आपका जो है फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, चोक हो गया है, तो उसकी उस कंडीशन में आपको एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर को यूज़ करना होता है, और ये मोस्टली फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, तीन चीज़ें चेक करते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में, कफिंग, दूसरा साइनोसिस, और तीसरा जो है वो कफ। तीन चीज़ें अगर प्रेजेंट है इसका मतलब फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। और इसमें क्या करता है पेशेंट जो है, के प्रोफेशनल्स होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, जो क्लाइंट है वो दोनों हाथ से अपने नेक को क्लेंच करेगा इस तरीके से, तो हमें पता चलता है कि इट इज़ अ साइन ऑफ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। तो उस टाइम हमें ज़रूरत होती है हेलमिच मैनुअर की, या फिर हमें एब्डोमिनल थ्रस्ट करना पड़ता है, और ये भी एक्सपर्ट ही कर सकता है। अगर आप इस प्रोसीजर को अच्छे से सीख चुके हो तो ही आप इसको परफॉर्म करो, अदरवाइज आप इसको परफॉर्म ना करो। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका हैंड है वो अम्बेलिकस और जिफॉइड प्रोसेस के बीच में रखना है। एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, जो आपका हैंड है उसको आपको क्या करना होता है, आपका जो जिफॉइड प्रोसेस है और जो आपका अम्बेलिकस रीजन है, इन दोनों के बीच में आप रखेंगे, और आपको क्या करना है, थ्रस्ट देना है, मतलब 5 थ्रस्ट इनवर्ड और 5 थ्रस्ट आउटवर्ड देना होगा, वीडियोज में आप देख सकते हो, उस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो जो आपका फॉरेन पार्टिकल है वो आपके माउथ में आ जाएगा और वहाँ से आप मैनुअली उसको निकाल सकते हो। अगर बच्चे को परफॉर्म करना है, इन केस ऑफ चाइल्ड आपको हेलमिच मैनुअर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, बच्चे को सबसे पहले आपको बच्चे को प्रॉन पोजिशन देनी है, फिर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में आपको 5 थ्रस्ट देने होंगे, उसके बाद बच्चे को सुपाइन पोजिशन में लेटाना है, फिर आपको क्या करना है, इन द मिडिल ऑफ स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के बीच में आपको 5 जो है थ्रस्ट वापस से लगाने हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि जो बच्चे में फॉरेन बॉडी या फिर जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो आपका माउथ में आएगा और वहाँ से आप मैनुअली निकाल सकते हो। इसको हम बैक स्लैप के नाम से भी जानते हैं। बच्चों में हेलमिच मैनुअर अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उसको बैक स्लैप कहते हैं, या फिर चेस्ट थ्रस्ट मैनुअर भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है नेक्स्ट तरीके से जो है हम हमने एयरवे को ओपन किया। अब एयरवे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नोज को क्लेंच करना होगा, नोज को आपको क्लेंच करना है या फिर पिंच करना है, और उसके बाद आप या तो आप आर्टिफिशियल जो है आप वेंटिलेशन दो माउथ टू माउथ, या फिर आप उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी दे सकते हो। तो ये तो हो गया वेंटिलेशन की बात, मतलब CPR में मैंने आपको बता दिया पूरा ये जो चार्ट अभी दिखाया वो। उसके बाद आपको एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने के बाद आपकी जो नोज है क्लाइंट की, उसको पिंच करना है, क्लेंच करना है। उसके बाद आप वापस से जो है आर्टिफिशियल ब्रीथ या फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पेशेंट को दे सकते हो। अगर मान लो
कि आपके सामने कोई ओबीज लेडी आ जाती है या फिर प्रेग्नेंट लेडी आ जाती है और आपको उस टाइम में जो है कंप्रेशन देना है, तो कंप्रेशन का लैंडमार्क क्या होगा, तो वो मिडिल ऑफ द स्टर्नम होगा, मतलब स्टर्नम के बीच में आपको कंप्रेशन करना है अगर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर ओबीज पर्सन है। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे पहला है रिब फ्रैक्चर, दूसरा जो है वो है स्टर्नम फ्रैक्चर, ये दोनों ही मोस्ट कॉमन है। रिब फ्रैक्चर हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर, तो रिब फ्रैक्चर, दूसरा जो है वो स्टर्नम फ्रैक्चर, तीसरा जो है कॉलर बोन फ्रैक्चर और चौथा जो है लंग्स और लीवर जो है इस पंक्चर हो जाना, पंक्चर ऑफ लंग्स एंड लीवर, ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है सीपीआर का। तो मोस्ट कॉमन पहला है रिब फ्रैक्चर एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है वो है स्टर्नम फ्रैक्चर। तो इस तरीके से हमने सीपीआर के बारे में बात की और सीपीआर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जो आपको टॉपिक बताया, अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपका थियरी एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो 2 से 3 नंबर ही अपने आप सेव कर लेगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप ये चीज़ें जो है दिखाइए और बताइए। और जो इमेज लगाऊंगी या जो वीडियो लगाऊंगी आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा क्योंकि उसमें प्रोसीजर है और प्रोसीजर और इमेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।